दांतों में क्या है बच्चे? दो दांत हैं। और डिमांड वगैरह क्या कर रहे हैं भाई ने? जो है बछड़ी का सौदा किया है, ठीक है, पक्का खीरा है, ठीक है, बेफिक्र रहो। और आखिरी क्या सोचा है इसका? ठीक है, दांतों में खीरा खीरे सही। और आखिरी फाइनल 80 के बहस करना सौदा हुआ है। और अब ये है कि सोल्ड आउट होके ये जा रहे हैं बच्चे, चेक कर लो माशाल्लाह से। और चार बजे से सही, वजन वगैरह में भी सही है। चलो थोड़ा आगे रहेंगे दोस्त, चार दांत है भाई, दांतों में चार है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इस वक्त मौजूद हूँ मैं भैंस कॉलोनी गाय मंडी में, और आज कुछ 30 मार्च है और मंडी में आ गया हूँ मैं। और अभी कुछ 10:30 का वक्त हो रहा है, और मंडी की पोजीशन आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो है तकरीबन बड़ा माल होता है, और तो इतना वो ख़ास माल तो मौजूद नहीं है, लेकिन यह कि फिर भी पिछले हफ्ते के मुकाबले मैं कहूँगा कि फिर भी माल जो है कुछ माल मौजूद है, ठीक है। और दिनमैने बछड़े भी हैं, कुछ जो है बेहतर बछड़े भी वहाँ मौजूद हैं। और चलते हैं फिर ये है कि इनके भी रेट लेते हैं, और आगे चल के फिर ये है कि दिनमैने माल का भी रेट लेते हैं, और कोशिश करते हैं कि इनसे आखिरी इनका जहन जाने और उनसे पूछें क्या रेट चल रहे हैं, और फिर फाइनल रेट लेते हैं उनसे, ठीक है। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये भाई मिल गया, इसके पास जो है चार बछड़े खड़े हैं। पहले मैं ज़रा बछड़े दिखाता हूँ। माशाल्लाह से बड़ी मंडी में अभी जो कुछ माल नज़र आया है ना, तो इस भाई का ही माल नज़र आया है। चल के फिर ये है कि रेट लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे भाई? ठीक हो? शुक्र है मालिक का, खैर है। दांतों में क्या है बच्चे? दो दांत हैं। और डिमांड वगैरह क्या कर रहे हो? डिमांड इनकी 3 लाख पुट्ठा। 3 लाख पर पुट्ठा, ठीक है भाई, ये चेक कर लो। 3 लाख पर पुट्ठे की डिमांड है। अब लाख बच्चा बोल रहे हैं भाई, और देख सकते हैं तकरीबन सारे जो हैं दांतों में दो हैं, ठीक है भाई। इनका कुछ आखिरी सोचा है आपने जी? इसमें गुंजाइश सोचिए कि कितने पुट्ठे में रखें? 5-10 हज़ार छोड़ देंगे, ठीक है। कोई नंबर है अपना? हाँ, नंबर दे दें, बता दें। 0306 25 38 706 706। आपका नाम? अब्दुल गफ्फार। इसके रेट पर ना ये अपने हैं बच्चे, ठीक है। इनके क्या बोल रहे हैं आखिरी? इसके देख सकते हैं माशाल्लाह से, ये ज़रा बछड़े जो है काबू में आ जाए तो फिर ये सही है भाई। ये बच्चा चेक कर लो माशाल्लाह से, और चार बच्चे मौजूद थे इनके पास। और चलते हैं बाकी मज़ीद आके रेट वगैरह लेते हैं। भाई चाचा खड़े हैं, चाचा से हमें रेट वगैरह दे नहीं रहे, लेकिन ये कि मतलब वीडियो में नहीं आना चाह रहे, लेकिन ये कि मैं वैसे रेट बता देता हूँ कि इनकी डिमांड जो की है ना, उन्होंने 6 लाख रुपये जोड़ी के मांग रहे हैं, ठीक है। बाकी इनसे ज़बरदस्ती नहीं करेंगे माशाल्लाह से, ये बच्चा चेक कर लो इससे भी चलिए रेट वगैरह। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो भाई जन? ठीक हो? क्या दांतों में क्या है बच्चा? पक्का खीरा है। और डिमांड वगैरह क्या कर रहे हैं? 160, ठीक है भाई, 160 डिमांड कर रहे हैं, और पक्का खीरा है, ठीक है, बेफिक्र रहो। और आखिरी क्या सोचा है इसका? 145-150 सही, 145-150 तक में। कोई नंबर वगैरह आपका बता दें? 0313, ठीक है, 3590-507। आपका नाम? जाफर जी। नाम आपका? जाफर। यासर, ठीक है भाई, यासर भाई हैं ये, सही है। और ये बछड़ा चेक कर लो, 1-35-40 बोल लें, और पीछे से मैं एक बार दिखा देता हूँ ये भाई। बाकी ये बछड़ा चेक करो माशाल्लाह से ना, चला तो इसके मैं रेट वगैरह लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या दांतों में क्या है दोस्त? ये पक्का खीरा है, ठीक है भाई, ये पक्का खीरा है। और डिमांड वगैरह? 1.5 लाख रुपये भाई, डिमांड 1.5 लाख रुपये कर रहे हैं, और पक्का खीरा है, और ठीक है माशाल्लाह से सही, वजन वगैरह में भी सही है। चलो तो थोड़ा आगे रहेंगे दोस्त, ठीक है, चेक करें माशाल्लाह से। फेस ऊपर करें, दोनों मुंह पर करो, इसकी एक मैं अलग से कुछ चल भी ले लूँ, ठीक है भाई, ठीक है दोस्त। इसका आखिरी सोचा है क्या रखना है? आखिरी जैन क्या रखा है, मतलब कि कोई अगर 1,30,000 रुपये नंबर देना अपना। 0308 95-66 043 आपका नाम? मुबशर खान, ठीक है भाई। मुबशर भाई का ये बछड़ा है, किसी भाई को भी समझ में आता है तो वो दे सकता है। भाई कहाँ, भैंस कॉलोनी में होते हैं आप? जी भैंस कॉलोनी, रोड नंबर 8, ठीक है भाई, भैंस कॉलोनी में ही होते हैं और रोड नंबर 8 पे। और बछड़ा मैंने आपको दिखा दिया, ये माशाल्लाह से बछड़ा कुछ बेहतर लगा था मुझे मलिन मंडी में, और 130 बिल्कुल फाइनल बोल रहे हैं, ठीक है भाई। अच्छा भाई, यहीं से कंटिन्यू करते हैं, ज़रा कोई मिल गया था सब्सक्राइबर, तो यहाँ तारिश खड़ा हुआ है, तारिश के पास चलते हैं, मलिन मंडी आता ही है, तो
तो तारिश से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है तारिश? ठीक हो क्या? आज छोटा माल लाए हो? आज छोटा, आज छोटा है तो क्या दांतों में क्या है? ये दो दांत, एक खीरी एक खीरी। अरे ये दो दांत है, ये खीरी है और ये भी खीरी है, इसको मैं दिखाता हूँ पीछे। ठीक है, इसके क्या मांग रहे हो? एक पाँच। अच्छा ये पक्की खीरी है कच्ची खीरी है? पक्की है, सही है, साल की है, एक पाँच बोल रहे हैं। और इसके 95 और इसके और हाँ या ना 80 की बोल लो। ठीक है, वो कितनी? 90। यहाँ पे बड़ा देख धाक के चलना पड़ता है, ये सब सीन बड़ा चल रहा होता है भाई। ये इसके बोल रहे हैं 90 बोल रहे हैं इसके। ठीक है, तारिश से नंबर ले लेते हैं, किसी भाई को समझ में आता है तो देख लो। ठीक है, तारिश नंबर बोल दो। सही है, ठीक है भाई। तारिश होता है मजीद ठंडी में, किसी भाई को भी समझ आता है माल वगैरह तो वो देख सकते हैं। सही है, बाकी मजीद हम चलते हैं आगे। एक बछड़ा नज़र आया मुझे, इसके रेट वगैरह मैं लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, दांतों में क्या है दोस्त? ये खीरा, खीरा है। पक्का खीरा है कच्चा खीरा है? पक्का खीरा है। क्या पैसे वगैरह क्या बोल रहे हो? इसके पैसे बोल रहे हैं 1,10,000। 1,10,000 रुपये यार, रेट तो ऊपर है इसमें काफ़ी। ठीक है, बछड़ी नज़र आई है, बछड़ी के रेट लेता हूँ मैं ना। ये क्या बोल रहे हो? सही है, और ये ज़रा एक पार्टी लगी हुई है यहाँ पे, ज़रा पार्टी फारिग हो जाए तो मैं बताता हूँ आपको क्या बोल रहे हैं। हाँ ऐसे क्या पता है रेट वगैरह पता है? उस्ताद क्या मांग रहे हो इसके? 95। दांतों में 4 दांत है भाई, दांतों में 4 है और 95 मांग रहे हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप। सही है भाई, रेट तो ऊपर है। और बाकी वहाँ भी चलते हैं, कुछ मजीद जानवर खड़े हैं, चलने में कंटिन्यू कर रहा हूँ वीडियो। सही है भाई, आपका अपना माल है? क्या बात है भाई, अपना माल है। क्या पैसे वगैरह क्या बोल रहे हो? पैसे क्या बोल रहे हो? इसके 130 भाई, 130। और इसके जो पल्ले खड़ा हुआ है उसके 120। 120, ये क्या चोट वगैरह लग गई है इसको बेचारे? क्या हुआ, कैसे? ये चमड़ा, चमड़ा चमड़ा उखाड़ गया। अच्छा, ये पेड़ा पक्के पेड़ा है ना, गोबर होता है ये चमड़ा, चमड़ा हटाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया। वो चीज़ नहीं है जो आप देख रहे हो? नहीं नहीं, वो मुझे भी पता है, वो तो अलग ही होती है जो आप देख रहे हो। नहीं नहीं, वो नहीं है। नहीं मैंने कहा शायद इसको उतरते हुए लग गया सर। अच्छा, क्या फाइनल क्या सोचे इसके? फाइनल अभी आप बताओ। नहीं जैसे कोई देखता है अगर मैं नंबर दे दूँगा आपका, 1-15-15-15। ठीक है, नंबर दे दें अपना, कोई नंबर कोई है अपना देंगे? हाँ ले लो, बता दें। 0302। सही है, 23-27। सही है, 547। आपका नाम? मोहम्मद जावेद। ठीक है भाई, जावेद भाई के ये दो बछड़े हैं। सही है, और इसको मैं ज़रा दिखाता हूँ पीछे से ज़रा, ठीक है ना, ये दो बच्चे हैं। सही है, और 1-15 बोल रहे हैं, चेक कर लो। सही है, और माशाल्लाह ये 14 हो गया है यहाँ से ना। मैंने इसको वीडियो में कवर भी किया था, और 1,95,000 रुपये की चोरी भी की है, पैसा खा लूँगी। ठीक है भाई, दे सकते हैं माशाल्लाह से। और बछड़ी वगैरह जो है इसमें, मेरे ख्याल में वीडियो में मैंने इसको मेंशन कर दिया था दांत वगैरह, तो वीडियो में भी इंशाल्लाह इसके रेट वगैरह दिख जाएंगे आपको। ठीक है भाई, ये देख सकते हैं। ठीक है भाई, बहस करना 14 हुआ है, और अब ये है कि सोल्ड आउट होके ये जा रहे हैं माशाल्लाह। आगे हम मज़ीद आगे चलते हैं और देखते हैं रेट वगैरह देखते हैं। ठीक है, ये 3 बच्चे नज़र आए दरमियाने, इसके मैं चल के भाई से पूछता हूँ रेट वगैरह ना, अगर भाई देना चाहे तो क्या मांगा, थोड़ी जगह हो तो यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, क्या मांग रहे दोस्त? 85 बाबा, 85। ठीक है, दांतों में खीरे? खीरे खीरे। सही, और आखिरी फाइनल 80 के दाम बस। 80 के भाई, 80 के बोल रहे हैं फाइनल, ऊपर है ये रेट ऊपर है। ठीक है, ये बछड़ी चेक कर लो, दो बछड़ी हैं, भाई से पूछ लेते हैं रेट अगर भाई देना चाहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, क्या पैसे मांग रहे हो? कौन से वाले? हाँ इसका 1-10। 1-10 उसका भी 1-10 बिल्कुल हाँ या ना, कितने में होगा जाइस?
पूरे एक में होगा। एक में होगा ठीक है भाई। कोई नंबर है? कोई नंबर है अपना? नहीं मेरा नहीं। ठीक है कोई मसला नहीं, पूरा एक में बोल रहा है। लेकिन यहीं के देख लो आप लोग, ये मेरे ख्याल कट्टू वाला ही मालिक है। सही है, कट्टू वाला ही मालिक है। बाकी हम जो है आगे चलते हैं और मैं ये आगे आगे कंटिन्यू करता हूँ और कुछ माल ढूंढता हूँ जो मुझे अच्छा और थोड़ा नस्ली माल नज़र आता है। ठीक है भाई, ये जो बछड़ी नज़र आ रही है आप लोगों के सामने, इसके जो है मोल मैंने पूछे हैं अभी। सही है, ऑफ कैमरा मैंने कहा इधर ऑफ कैमरा पूछता हूँ कि क्या क्या रेट दे रहे हैं। हो सकता है शायद कम नहीं, लेकिन ये है कि रेट जो है ऑफ कैमरा भी ऐसे ही चल रहे हैं, जितना 1000 रुपये मांग रहे हैं। हालाँकि छोटी बछड़ी है, खीरी है, अभी भी पक्की खीरी, ये है कि चेक कर लो आप लोग। सही है, 75,000 रुपये डिमांड है इसकी। भैया मैं इस साइड पर आया हूँ ज़रा ना, ये यहाँ पर ये छोटा माल खड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ये है कि मैं रेट वगैरह लेता हूँ। सही है, ये बछड़ा नज़र आया है। ओए होए 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 होए, चाचा क्या मांग रहे हो? 64 दांतों में भाई, दांतों में खीरा और 64,000 रुपये मांग रहे हैं। ठीक है, छोटा है, काफ़ी छोटा है। आप कुछ माल अगर कुछ साफ सुथरा माल दिखता है ना, उसके मैं लेता हूँ रेट वगैरह। हाँ मसला ये सारा कटने वाला और ये काटू का माल ही नज़र आता है। ठीक है भाई, ये कंटिन्यू करता हूँ मैं आगे। ये माशाल्लाह से देखें, ये भाई ने जो है बछड़ी का सौदा किया है। ठीक है, और भाई से चल के पूछते हैं कि भाई भाई दांतों में वैसे क्या है? दांतों में खीरा है। दांतों में खीरा है, खीरी है। सही है, और डिमांड क्या की थी इससे इसकी आपसे? डिमांड तो 75,000 की। सही सही, और फाइनल स्टार्ट में छोड़ी? ठीक है। वैसे मंडी की क्या पोजीशन लगी आपको? मंडी की पोजीशन बहुत आउट है। आउट है, इतनी खास नहीं है, मतलब ऊपर रेट चल रहा है। जानवर भी आज कम है। सही सही, वैसे तो माशाल्लाह भरी देती है। सही सही, अभी जब से ये थोड़ा बहुत मसले में चल रहे हैं, जब से बीमारी का चक्कर चला है तो ये मंडी थोड़ी स्लो हो गई है। सही सही, पूरा माल भरा हुआ। सही सही, ठीक है भाई। भाई माशाल्लाह से 60 के लिए अच्छी मिल गई है, और दांतों में दो है ना? दांतों में खीरी है। खीरी है, ठीक है माशाल्लाह से दांतों में खीरी है, और इन्होंने 60 की ली है। ठीक है भाई माशाल्लाह, अल्लाह ने कुर्बानी कबूल फरमा। अच्छा भाई, ये थी आज बहस करोनी गाय मंडी की अपडेट, और यहाँ पे जो है जितना माल था तकरीबन कोक मैंने कवर करने की कोशिश की है। और बात ये है कि कुछ लोग मतलब रेट अच्छे दे देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। बात ये आके भी बात करनी पड़ती है यहाँ पर असल में, कुछ यहाँ पर जो है आगे मज़ीद और जानवरों के रेट भी लिए हैं, कुछ लोगों ने अच्छे रेट भी दिए हैं। तो मंडी की पोजीशन ये है कि मंडी जो है असल में इसकी ये मंडी अगर आप लोगों को आना है तो मैं आप लोग को एक अगर सजेशन देता हूँ कि आप लोग जो है सुबह 9 बजे तक पहुँच जाएँ, क्योंकि ये है कि फिर 10 बजे के बाद से बहुत से लोग जो है 10 बजे के बाद से जो है माल जो है यहाँ से छटना शुरू हो जाता है। और जब मैं आया हूँ तो वो जो फौजी के अड़ा तले मरीज वाले होते हैं वो निकल गए थे बल्कि यहाँ से, तो ये सीन है। ठीक है भाई, बाकी ये कि यहाँ पर कट्टू का माल वगैरह काफ़ी बिक रहा होता है, बुध को लगती है मंडी। बाकी इंशाल्लाह मरीज मंडी का नेक्स्ट पार्ट देखिएगा ज़रूर, जुम्मे को आएगा। और ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ पसंद आएगी। जब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।